गायत्री आपण समस्त को आज यही सॉफ्ट गुलाब जामुन रेसीपी सेयार करेंगे ता पुणी बिना छेना बिना मैदा बिना अटा और बिना अमूल बनवा पूरा इंटरेस्टिंग रजर रेसीपी तो प्रथम शेष जाए भिडियो देखु था भिडियो भल लगे लाइक सेयार सब्सक्राइब करने को आदो भूल तेज चलतु डेरी नक स्टार्ट करवा आज रेसीपी तो ये मुझे ब्रेड पैकेट नहीं जाइए देखिपी पूर्वर मुझे ए बिल्कुल भी छेना मैदा अटा अमूल व्यवहार करी ना तेणुक इनस्टांट गुलाब जामुन बनवाई मुझे पूरा ब्रेड नहीं जाइए पूरा फ्रेश ब्रेड से ब्रेड को यहपर गढ़ी कर पकईने गोटे ब्लेंडिंग जार आपत चाहिए यार चारिपट कर्नर को काढ़ीपारे एबे आम यार गोटे ब्रेड क्रम्स बनवा मानने ब्रेड को बिना कौन पा कि क्षीर दे सुखिलापर ग्राइंड कर नवा तो ये दुई थर में ग्राइंड करी गोटे गोटे थर करके तो ये मुझे गोटे थर फास्ट थर ग्राइंड कर पकईदी मानने ब्रेड क्रम्स आउ गोटे थर नेक्स्ट थर मैं पकईने तो ब्रेड क्रम्स पकई सारापर एमें गोटे कप मान चा पीवा कप्रे से गोटे कप क्षीर नहीं जाइए सीझा क्षीर एवं आपको अल्प अल्प पकई आर गोटे चकटा बनईबी गोटे डोब बनईबी एकाथर के सब पकेबे ना एकाथर पकेले डोबटी पाणिया हो तो गोटे कप क्षीर पकईली एवं मुझे ही कप्रे गोटे कप पा नेबी जेहेतु ये डोबटी मोर हाल्का टिके टाइट लगुचे पूरा स्मूथ डोब बनवा तो अल्प टिके पा मुझे यूज कर बेसी भी यूज करें आपको भल भाव चकटी नवा चकटी आर गोटे डोब बनवा ये मात्र 4-5 मिनिट्रे डोब आ गुलाब जामुन रेडी केवल सिरे पकई आम वेट करवा तो आगको तो होली आसुची तो होली आप निश्चय यहपर इनस्टांट गुलाब जामुन बनातु चाशनी बनवा से मुझे 250 ग्राम चीनी नहीं जाइए आती गोटे ग्लास पा दे नहीं चाशनी जिते बड़े बनईबे चाशनी टी बे बहला मोटा करेंगे ना टी हाल्का पाया रखा द्वारा आम जिते बड़े गुलाब जामुन पकईवा शीघ्र सी सॉफ्ट हम तो यही कथा को ध्यान रखी आप गुलाब जामुन बनईबे देखिए बहुत ही बढ़िया गुलाब जामुन बनी रेडी तो आपको भल भाव आम मेल्ट कर नवा तो चीनी टी पखापाखी मेल्ट हो सारा एवं भल कलर आसवापी मुझे रेड रो फूड कलर टिके पकईबी कि आगुरी एटी मुझे गुजराती तीनो को यहपर गड़ी कर पकई नौ जहाद्वे कि भल फ्लेवर आसीज गुलाब जामुन रिरे यहपर पड़ फुटा द्वारा आहरी भल फ्लेवर आसब तो भल कलर देखापी मुझे अल्प टिके रेड फूड कलर पकई एटा पूरा ऑप्शनल अच्छी आपड़ चाहिए पकईबे अबा स्किप भी करेंगे तो ये आम मेल्ट हो सारा फुटि भी सारा सीराटी बेसी समय भी सीरा को मुझे फुटे भी ना बेसी समय फुटेबा द्वारा सीराटी बहला हो मानने हार्ड हो गैस फ्लेम को बंद कर तेल कर गरम कर इटे ध्यान रखी गुलाब जामुन छाणे मुझे गुलाब जामुन बल्स सब रेडी करनी जो ब्रेड रे बनई डोब्रु कि ये ध्यान रखिए जिते गुलाब जामुन पकेबे गैस फ्लेम पूरा स्लो कर नहीं थी हाल्का टिके गरम थी तेल ही पकेबे जहाद्वारा भल भाव बाहर भितर भल भाव सीझीजी ये तेल जदि हाई फ्लेम करेंगे तो ऊपरटी ब्राउन हो भरटी जमा भी सीझे ना तो यही कथा को ध्यान रखिए जिते गुलाब जामुन बनईबे तो गैस फ्लेम को मु स्लो किंतु तेल टी देखुं अल्प टिके हालाका गरम अच्छी तो आपको फ्राए करने मुझे स्पून रहा जेहेतु स्पून रपट सेपट कर गोटे गोटे गुलाब जामुन को ओलटाई पूरा लाइट गोल्डन कलर आनबार अच्छे छाणवा बेले टी लेट हो पाए जेहेतु गैस फ्लेम को स्लो कर छाणुचे कि धर्यधरी करें आपण गुलाब जामुन बहुत ही सॉफ्ट और स्वादिष्ट हे तो निश्चय यही होली रे आशा करुच्ची आपण समस्ते रेसीपी देखी सारापर निश्चय बनईबे बन सारापर किपर लगुच निश्चय आपणकर अनुभूति मो कमेंट बॉक्स को आसी निश्चय कमेंट करेंगे तो आपको भल भाव मुझे ओलट पलट कर गोटे थर मुझे देखिपर हाल्का टिके टिके गोल्डन कलर आसी सारा पूरा आपको लाइट गोल्डन कलर आनबी मु तो सबुतक भल भाव पुणी थे ओलटाई नौ आउ ये आम पखापाखि अल्प मानी सीझी सारा गुलाब जामुन गुड़िक छणा साइज एपट सेपट कर फ्राए करी देखिपार गुलाब जामुन जी कुछ तार बढ़िया कलर आसी जा गोटे गोटे करी आउ गुलाब जामुन के सुंदर से फुली गला देखिपना के सुंदर कलर आसी बिल्कुल बजार पर आपको लगे किंतु एम यूज करें मैदा अटा छेना अमूल केवल गोटे सामग्री मानने ब्रेड रे ही बनई
तो एबे आमे हाकू चासनी रे पकई नबा छाणी करी गरम थिबा चासनी रे पकेबा द्वारा जल्दी सॉफ्ट होबो आउ भितर को सिरा मते सोक होबो भलसे। तो एठी हमर सिरा रे मु पकई सलिणी एबे आकू टिके गोळै नेबे आउ कवर करी 2 घंटा जे आकू रेस्ट होबा को फ्रिज रे रखि नेबे। आपण चाहिले नॉर्मल रूम टेम्परेचर रे मध्ये रखि परिबे। फ्रिज रे रखिबा द्वारा कोन होए ना जते बेले ठंडा होई जाय खाइबा पे बहुत ही भल लागि थाए। तो 2 घंटा मु फ्रिज रे रखि सारथिली एबे मु ताकू बाहर को काढी आनि छी आउ देखि परछंती बहुत ही सॉफ्ट होई छी। सिरा गुड़ी को मध्ये केते बसी जाय छी माने गुलाब जामुन गुड़ी को केते सॉफ्ट होई जाय छी आ बहुत बड़ बड़ होई जाय छी। एबे मु गोटे सर्विंग बाउल को सर्व करबी आ सर्व करी आपन मन को देखेबी केते स्मूथ सॉफ्ट होई छी हमर ई गुलाब जामुन टी। तो देखि परछंती ना केते बड़ आकार मध्ये होई जाय छी। तो आशा करूँगी आज रेसीपी आपण समस्त को भल लगी निश्चय मत ट्राई करेंगे बोली भावुचे। ये आमर तो रेडीगला इनस्टांट गुलाब जामुन तो टिके चाशनी पकईदबा देखापे बहुत ही टेम्पटिंग देखा जाऊँ तो स्वाद बहुत ही बढ़िया होता है। तो देखिले फटाफट से रेडीगला आमर ये सॉफ्ट आउ रस भरा गुलाब जामुन। तो आशा करूँगी आज रेसीपी आप बहुत सारा खुशी से एंजॉय करेंगे आदि मो रेसीपी भल लगी थाए तेज गोटे लाइक करे देखिपी से धरवा मात्रे फाटी जा रसगोलाटी मैंने बहुत ही सॉफ्ट हो जाती नुआ देखु था ना गोटे सब्सक्राइब देने शेयर भी करने को क्षमा भूल रही पुणी देखा आउ एक नुआ इंटरेस्टिंग रेसीपी सहित से विदाय दिंतु धन्यवाद खुशी रुहतु भल रुहतु।